बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेमी ग्रुप का जो है वो है फाइनल फर्स्ट सेमेस्टर का लेक्चर 5 हम डिस्कस करेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट तरीन किस्म की प्रोपोजिशंस या फिर थ्योरम्स जो हैं वो हैं, जो है कि सेमी ग्रुप में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो रिलेशन या रिजल्ट्स जो हैं वो हैं। आपने इसको जो है वो अच्छे से तैयार करना है, फाइनल में ये पेपर में ज़रूर आएंगे। और ये आसान भी है, बहुत आसान है। ये तीन किस्म के रिजल्ट जो हैं वो आपको यहाँ पे प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले नंबर पे एक डेफिनेशन आपको ज़रूर आनी चाहिए कि इस थ्योरम से रिलेटेड जो है वो क्या है, ठीक है। उस डेफिनेशन से पहले हम एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि उस डेफिनेशन की हमें अशद ज़रूरत है। अगर हमारे पास जो है वो फाई साई मेंबर हों पी एक्स के, और पी एक्स क्या है, ए सेट ऑफ पार्शल मैप्स, ठीक है। जो है कि पार्शल मैप्स क्या होते हैं, पार्शल मैप्स, ठीक है। हम पार्शल मैप उसको कहेंगे अगर हम ये हमारे पास एक एक्स फाई है ना जी, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, फाई में पड़े हुए तमाम मेंबर में एक्स से शुरू होने वाले पेयर जो हैं उसका दूसरा एलिमेंट, ठीक है। एक्स से शुरू होने वाले दूसरा एलिमेंट, फर्ज किया कि ये एस आई है तो इसके दो एलिमेंट हो गए ना, ये और ये, ठीक है। तो दोनों इसके मेंबर बन जाएंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अगर ऐसा हम इसकी जो एक्स फाई है उसकी तादाद फाइंड करें कि उसके कितने मेंबर बने हैं, तो उसके 2 बने हैं, ठीक है। अगर किसी जो है कि रिलेशन में हर एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हम लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, एक्स ले लें, ठीक है, और उसकी तादाद 1 से ज़्यादा आए, नॉट इक्वल टू 1, तो हम कहेंगे फाई इज़ नॉट पार्शली मैप। सो फाई इज नॉट पार्शली मैप, ये पार्शली मैप नहीं है। अब पार्शली मैप कौन सी होगी, हम कहते हैं जी जो है कि एक फाई लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, एक साई ले लेते हैं, चले 1 और 3 है, 2 और 4 है, और 3 और 7 है, फ़र्ज किया ये वाले, ठीक है। आप इसमें देखें कि 3 साई तो क्या आया, 3 से शुरू होने वाले पेयर में दूसरा एलिमेंट क्या पड़ेगा, 7 आया। तो अब 3 साई निकाल लें, इसके तादाद कितनी आई है, तो 1 आई है, तो ये पार्शली मैप है, ठीक है। अब 2 के ऊपर चेक करें तो 2 का 1 नहीं है, 1 का चेक करें तो 3 है, तो एक एक एलिमेंट आएगा, ठीक है। ऐसा रिलेशन जिसमें एक्स फाई जो है वो लें, एक्स साई का मॉडुलस लें तो 1 आता जाए, तो हम कहेंगे देन जो है वो जो साई है जिसके ऊपर मैपिंग ली है इज पार्शली मैप, ठीक है। तो ये पार्शली मैप होते हैं। तो हमारे पास ये वाले दोनों मेंबर जो हैं वो हमने लिए हैं जो है वो इसमें से, और वो दोनों जो हैं वो पार्शली मैप में से ही हमने उठाए हैं, तो ये अगर सेट ऑफ पार्शली मैप्स, ठीक है। तो इस तरह से अगर लें कि उन दोनों के दरमियान अगर सर्कल लें, सर्कल की डोमेन, ठीक है, इक्वल होगी फाई का इमेज और साई की डोमेन का कॉमन और अनवर्स, उसका ये इसका अनवर्स कह लें कि इस एलिमेंट का जो भी इसका एलिमेंट कॉमन होगा उसका इमेज अनवर्स में, फाई अनवर्स में और डोमेन ऑफ सर्कल में इक्वलिटी है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, सर्कल का इमेज दोनों का और साई का ये वाले एलिमेंट के साथ इमेज, ये दोनों सेम होंगे,
तीसरे नंबर पे जो है कि सर्कल का एक्स के साथ इमेज, पहले सर्कल लें उनका और जो आंसर आएगा उसका एक्स के साथ इमेज देखें, और फिर एक्स फाई का इमेज, वो उसका इमेज साई में देखें, तो दोनों का आंसर सेम होगा। जो भी यानी कि इसका इमेज आया है उसका इमेज फिर नेक्स्ट साई में देखें, तो दोनों का आंसर सेम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, हम एग्जांपल की मदद से और इसको प्रूव करें, पहले इसको प्रूव करते हैं फिर इसकी एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक है, तो हमने प्रूफ नंबर वन करना है। प्रूफ नंबर वन में ये है कि इसकी अगर डोमेन लें और इसका अनवर्स के साथ इसका इमेज देखें तो दोनों का आंसर सेम आएगा। हम करने वाले हैं कि लेट कि एक्स जो है वो मेंबर पड़ा हुआ है किसके अंदर, जो है कि साई और फाई के सर्कल में। ठीक है, जनरली प्रूव कर रहे हैं तो हम स्क्रीन पे कन्फ्यूजन होगी तो हम एग्जांपल का सारा भी लेंगे साथ ही। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर हमने किसी का सर्कल लिया हो तो उसकी डोमेन में एलिमेंट ले लेते हैं। ये पढ़ा जी, ठीक है, कह लें कि ये वाला कोई हम दो में हमने सर्कल लिया ना जी, ये सर्कल का आंसर है। अब उसकी डोमेन में एलिमेंट एक एक्स ले लें। अब इसका जो सर्कल का डोमेन लें तो डोमेन में डोमेन ऑफ सर्कल 1, 2, 3 आ जाएगा। ठीक, इसमें से हम 2 ले लेते, 2 जो है वो पड़ा हुआ है किसके अंदर, 2 मेंबर है, यहाँ पे कर लेते 2 मेंबर है किसका, डोमेन ऑफ सिग्मा सर्कल टा। ठीक है, ये इसका मेंबर है, इसका मतलब क्या कहता है आगे देखते हैं। ठीक है, तो कहता है कि कोई ना कोई अगर ये इसका मेंबर है तो हम कह सकते हैं कि डोमेन में है ना, तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा एलिमेंट पड़ा होगा जो इसका डोमेन में जाने के लिए एक्स को कहाँ पे बैठना चाहिए, पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पे बैठा है तो कोई ना कोई दूसरे नंबर पे बैठा ही होगा, तभी तो ये पहले में बैठा है और तभी तो डोमेन में आया है। ठीक है, तो हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट अ वाई बिलोंग टू एक्स सच दैट के एक्स और वाई का पेयर बनाया तो तभी तो डोमेन में आया, इस तरह का कोई मेंबर इसके अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, सर्कल में हम जब भी कहते हैं कि सर्कल में कोई ऐसा मेंबर पड़ा हुआ हो कि एक्स और वाई, तो कोई तीसरा मेंबर ज़रूर होगा जो इसको कल्ले कल्ले में ले जाएगा। ठीक है, एक्स का इमेज जेड के साथ और जेड का इमेज वाई के साथ, तो पहले वाला इसमें चला जाएगा, दूसरे ये सर्कल को देखिए सर्कल की डेफिनेशन है एक्स जेड पहले में, दूसरा एलिमेंट जेड और इसका जेड ये सेम आ गए, तो एक्स सर्कल में कौन सा जाएगा, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई इधर चला गया, तो अगर ये इधर है तो वापस जाने के लिए एक थर्ड एलिमेंट इस यहाँ पे लेता उसको कर गया। ठीक है, तो एक्स और जेड, जेड और वाई, एक्स और जेड पहले में और जेड और वाई इसके अंदर। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखें इसकी अगर डोमेन लें जो है कि जेड इसका मेंबर है किसका, इमेज का, फाई में इमेज है जेड और इसकी डोमेन में है जेड, डोमेन लें और इमेज लें दोनों में कॉमन है जेड, जेड मेंबर है इमेज और डोमेन में इंटरसेक्शन, डोमेन और इसकी लेना फाई की और इसकी इंटरसेक्शन लें फाई की इमेज के साथ साई के डोमेन के साथ, तो जेड तो ज़रूर उसके अंदर होगा। ठीक है ना, अच्छा, तो इसी तरह से हम कहते हैं कि अगर ऐसा है कि एक्स और जेड जो है कि फाई का मेंबर है तो इसका कन्वर्स कैसे बनेगा, कन्वर्स जो हो गया कन्वर्स
जेड इधर चला गया, एक्स इधर चला गया, तो ये इनवर्स हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कौन से मेंबर पड़े हुए हैं, जेड और एक्स। ठीक है, ये पड़ा हुआ है ना इसके अंदर, तो इसका मतलब अगर हम कहें कि एक्स फाई क्या था, कि एक्स से शुरू होने वाले पेयर में जो है वो कह रहे हैं एक्स से शुरू होने वाले पेयर में वाई एलिमेंट, एक्स से शुरू होने वाला पेयर जो है उसका दूसरा एलिमेंट जो भी है वो इधर चला जाएगा, तो जेड से शुरू होने वाले पेयर में एक्स इधर आ जाएगा, तो एक्स मेंबर होगा इसका जेड फाई इनवर्स का। ठीक है ना, तो ये इसका इनवर्स हो गया। हमने अभी अभी प्रूव किया कि हमने शुरू किया था लेट एक्स जो है वो डोमेन है इसकी, अभी एक्स जो है वो किस में चला गया है, जेड फाई अनवर्स में, और जेड हमने कहा है कि ये मेंबर है इसका इतने हिस्से का, तो अगर जेड की जगह पे मैं ये लिख दूँ इमेज फाई इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ साई, तो उसकी जगह पे ये लिखा जाए तो एक्स जो है वो सबसेट हो जाएगा, मेंबर है इसका, और इसमें जेड की जगह पे हमने ये लिख दिया और ये सबसेट बन गया इमेज, ये वाला फिर इसका इमेज है ये साई इनवर्स फाई इनवर्स, तो ऐसे ही आ जाएगा ना, तो यहाँ पे आ गया इमेज ऑफ फाई इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ साई फाई इनवर्स। ठीक है, तो ये हमने जो है वो इसकी एक साइड का लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमने कहा कि एक्स इधर था, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया था, अब राइट हैंड साइड से, तो हमने कहा कि एक्स जो है वो सारे के सारे एलिमेंट में बिलोंग कर रहा है, एक्स जो है मेंबर है इमेज और डोमेन का इंटरसेक्शन और साई इनवर्स का। ठीक है, इसका मतलब हम इस सारे की जगह पे अगर वाई लेट कर लें कि ये सारा वाई है, तो वाई फाई इनवर्स, तो एक्स जो है वो इसका मेंबर होगा ना, क्योंकि एक्स तो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो वाई से शुरू होने वाले में एक्स मेंबर होगा। ठीक है, तो ये आ गया, तो हम कहते हैं कि वाई से शुरू होने एक्स आ गया है इसका दूसरा एलिमेंट साई में। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गई ना बात की, अब आगे चलते हैं। अगर अनवर्स में मैं यहाँ पे लिखा तो वाई एक्स मेंबर है किसका, फाई इनवर्स का, तो फाई इनवर्स को ख़त्म किया, ये तो चला गया, इधर चला गया। ठीक है, एक्स वाई मेंबर है इसका, अब इसमें वाई जो है वो वाई फाई के इमेज है ये, और पहले हमने क्या कहा था कि जो साई है उसकी डोमेन में वाई पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वाई साई की डोमेन में कैसे चला गया है, साई की डोमेन में क्या पड़ा हुआ है, वाई, तो वाई से ये स्टार्ट हुआ था ना, कि ये इस तरह से कि वाई और टी बिलोंग कर रहे हैं किसके अंदर, साई में, देयर एग्जिस्ट टी। ठीक है, तो अगर ये इसमें है तो हम कह सकते हैं कि ये वाले दोनों रिलेशन से ये हो गया जी वाई पे ख़त्म, ये वाई पे शुरू हो गया। ठीक है, ये देखें फाई जो है वो वाई पे ख़त्म हो रहा है और ये साई जो है वो वाई पे शुरू हो रहा है, तो एक्स और टी सर्कल में चला जाएगा। एक्स और टी जो है वो हमारे पास एक्स और टी मेंबर हो जाएगा इस सर्कल का। ठीक है, आप इस सर्कल में देखें इस तरह का मेंबर बड़ा हो तो एक्स जो है वो क्या कहाँ पे बड़ा होगा, डोमेन में, तो एक्स मेंबर होगा डोमेन का, सर्कल की डोमेन का एक्स मेंबर हो जाएगा। तो हमने पिछले बात जो है वो प्रूव किया था कि एक्स मेंबर है राइट हैंड साइड का, यहाँ पे हमें अभी हमने प्रूव कर दिया कि एक्स मेंबर है लेफ्ट हैंड साइड का, तो इसका मतलब दोनों का वो मेंबर है, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के इक्वल ही हैं, हेंस प्रूव द रिजल्ट। ये एक था। ठीक है, हम दूसरा भी इसी में प्रूव, इसी वीडियो को आगे लेके जाते हैं, तो ये दूसरा प्रूव कर देते हैं रिजल्ट। ठीक है, तो वो क्या है, कह रहा है कि सर्कल का इमेज ले ले,
और दोनों में इंटरसेक्शन साई के साथ, तो दोनों का आंसर सेम आता है। ठीक है, तो सर्कल का इमेज का मतलब है हम लेट कर रहे हैं कि एक्स जो है वो इसका मेंबर है, तो एक्स मेंबर होने का मतलब ये है कि एक्स और कोई ऐसा एलिमेंट है, इमेज में पड़ा हुआ है ना, कोई ऐसा एलिमेंट है कि वाई बिलोंग टू एक्स, कोई वाई को ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ इमेज बना था एक्स का, तो फिर ही वो सर्कल में गया ना, तो जो है इमेज पहले सर्कल का इमेज लिया हुआ है, तो सर्कल का इमेज ना ले। ठीक है, तो वाई और एक्स मेंबर है सर्कल का। ठीक है, सर्कल ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन सर्कल का, तो इसमें एक्स बाद में आया तो ये इमेज बन गया। अब अगर कोई भी सर्कल का मेंबर हो तो उसमें एक कंडीशन लाजमी होती है सर्कल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि थर्ड एलिमेंट उसको लहदा लहदा कर सकता है कि वाई जेड और जेड और एक्स। ठीक है, वाई जेड इसमें चला जाएगा और जेड और एक्स इसमें चला जाएगा, अगर ये वाली बात जो है सही हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि जो दूसरा एलिमेंट है इसका मतलब यह है कि यहाँ पे इमेज में पड़ा हुआ है और यहाँ पे डोमेन में पड़ा हुआ है, तो दोनों का कॉमन लेंगे तो फाई का इमेज और साई के डोमेन में जेड पड़ा हुआ है, जेड वन कह लें, तो अगर ये पड़ा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ये इसका मेंबर होगा, जेड इसका मेंबर है। अगर ये मेंबर है तो हमें तो हमने तो लेट किया था कि ये एक्स इस साइड पे है तो राइट साइड पे तो नहीं बना। अब देखें ये सारे के सारे एलिमेंट इसको हम एक कह लें, एक चीज़ बन गई है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि साई के साथ जेड वन, अब साई जो है वो हमारे पास कोई भी पार्शली मैप है, पार्शली मैप ये है कि उसके अंदर एलिमेंट जो पड़े हुए हैं जेड से, जेड वन से शुरू होने वाला एक ही पेयर, जेड वन से शुरू होने वाला पेयर एक ही है जिसका इमेज एक है एक्स, ये पार्शली मैप है इसलिए हम इक्वल कह देते हैं। ठीक है ना, तो जो है कि जेड वन से ये एक्स उसकी किस मेंबर हो जाएगा, जेड वन से शुरू होने वाले का इमेज, क्योंकि ये अभी तो हमने कहा जेड वन का इमेज है। यहाँ पर देखें जेड वन जो है वो किस में पड़ा हुआ है, जो है वो जेड वन से शुरू होने वाला पेयर और उसका इमेज क्या है एक्स, तो यहाँ पे देखें ये वाली बात जो है वो इधर हमने की है। ठीक है, जेड वन से शुरू होने वाला पेयर किस कहाँ पे, साई में, तो उसका इमेज क्या है एक्स, तो एक्स मेंबर हो गया और ये एक साई एक पार्शली मैप है, इस तरह का एक ही पेयर पड़ा हुआ है, दूसरा पेयर नहीं है, जेड वन से शुरू होने वाला और उसका इमेज एक ही, क्योंकि पार्शली मैप क्या होता है कि जिसका हम जो है कि मोड़ लें और आंसर बनना है जेड वन के साथ। ठीक है, तो जेड वन का एक ही मेंबर बनना था, तो हमने क्या किया, ये आ गया। अब अभी हमने कहा कि जेड जो है या जेड वन इसकी जगह पे कह लें कि वैल्यू पुट करनी है, किसकी एक्स मेंबर है इसका, और ये वाला फिर सबसेट बन जाएगा किसका, जेड वन की जगह पे लिखें इमेज फाई इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ साई। ठीक है, तो ये साथ पड़ा हुआ वैसे ही आ जाएगा ये वाला। ठीक है, इसकी ये सारी जेड वन की वैल्यू है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक्स हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिया था, राइट पे चला गया, ये इक्वेशन वन आ गई। हम इक्वेशन नंबर टू को कन्वर्स देखते हैं, ठीक है, कन्वर्स ले लें कि वाई हमारे पास इसका इमेज है, तो ये सारा वाई में जो है कि अगर हम इसको टी कह लें, ये सारा टी है, तो वाई मेंबर होगा टी साई का। ठीक है, तो इसका मतलब टी इसका मेंबर है इस इतने हिस्से का। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि टी अगर इसका मेंबर है तो साई का और फाई का हमने इमेज लिया तो टी उसमें था, तो इसका मतलब है कि एक्स और टी इसमें पड़ा हुआ है, और ये आपको पता है कि फाई और साई जो हैं वो आर पार्शली मैप। इसका मतलब है कि हम एक्स से शुरू होने वाले का जो है कि इमेज लेंगे तो हम एक ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से टी से शुरू होने वाले साई का इमेज लेंगे तो एक ही आएगा, एक एक एलिमेंट पड़ा हुआ है इसके पास, सिंगलटन सेट होते हैं, सिंगलटन सेट नहीं होते,
यानी कि एक्स का अगर इमेज देखे तो वो भी सिंगल्टन आएगा जो है कि, यानी कि फाई खुद से इंसल्ट नहीं है सिंगल्टन, लेकिन एक्स फाई जो है वो सिंगल्टन है, टी साई जो है वो सिंगल्टन है, इस तरह से ये सिंगल्टन सेट आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक्स और जो है कि इसका मतलब ये है कि एक्स और टी और टी और वाई इसके अंदर पड़ा हुआ है, ये डोमेन में लेके जाना था हमने तो पहले लिख लिया, ये इमेज में लेके जाना था बाद में। अब ये हमने कहा कि सर्कल की डेफिनेशन कहती है कि एक्स से जो जिस नंबर पे शुरू हो रहा है उसी पे ख़त्म हो रहा हो तो पहला और आखिरी इसके मेंबर बन जाता है, तो पहला उसका मेंबर बन गया, सर्कल की डेफिनेशन होगी। अब इसमें वाई जो है वो इसका इमेज है, सर्कल का इमेज है, तो वाई बिलोंग कर रहा है इमेज ऑफ इसमें, तो कन्वर्स प्रूव हो गया, वाई किस में था, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में चला गया, तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रूव। ठीक है जी, तीसरा रिजल्ट है लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो ये भी जो है वो आसान सा रिजल्ट है, छोटा सा ये इधर ही प्रूव हो गया इतने पेज का, ये बस कह लेंगे इतना हिस्सा है। अच्छा जी, तो कह लें कि पहले सर्कल लिया फिर उसमें एक्स का इमेज ढूंढा, पहले सर्कल लिया और फिर एक्स का इमेज ढूंढा किधर पड़ा हुआ है, और जो भी आंसर आएगा पहले फाई का इमेज एक्स के साथ जो भी आएगा उसका इमेज साई में देखा तो आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास आ गया ये फ़र्ज किया कि लेट जो है एक्स जो है वो इसका इक्वल आ गया, यानी कि एक्स का इमेज ढूंढा फाई में तो जेड आया। ठीक है, तो जेड का इमेज ढूंढा साई में तो वाई आया, फ़र्ज किया कि हमारे डिफरेंट आए हैं। ठीक है, वो कहता है कि एक आना चाहिए, तो देखते हैं क्या होगा। तो इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या है कि x से शुरू होने वाला z मेंबर होगा इसका, और इसका मतलब क्या है z से शुरू होने वाला y इसका मेंबर होगा। अब सर्कल की डेफिनेशन कहती है कि जिस पे ख़त्म हो वहीं पे खत्म हो तो पहला और आखिरी इसका मेंबर बन जाता है, सर्कल में चला गया। अब ये सर्कल में चला गया है तो आप देख सकते हैं कि x से शुरू होने वाला, क्योंकि ये भी पार्शली मैप है, x से शुरू होने वाला एक ही मेंबर होना चाहिए, तो इसका जो है वो देखा तो y उसका मेंबर बना, y इसके इक्वल हो गया ना, तो इसका इमेज है ये x सर्कल, तो y आ गया ना, y आ गया तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो। अब इस पे देखें जो है कि फाई में इमेज देखें x का तो z आया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x से शुरू होने वाले का x का इमेज जेड बना है, एक्स का इमेज जेड बना है, तो साई में है, फाई में, तो साई में का मतलब ये है कि अगर ऐसा है कि जेड और वाई इसमें बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास ये वाला रिजल्ट है, यही से ले लिया ना, यही ले लिया हमने भी। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि अब एक्स का इमेज जेड बना और जेड का इमेज वाई बना है, तो बात तो प्रूव हो गई है, लेकिन देखें क्या हुआ कि यहाँ पे हमने एक्स फाई का इमेज देखा, ये लिख दिया मैंने, वाई आना चाहिए। ठीक है, तो ये इमेज का जो है वाई आया, तो ये बिलोंग कर रहा है इसमें, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास वाई इक्वल है एक्स फाई साई का। ठीक है, तो ये इधर भी देख लेना कि एक्स का इमेज जेड है तो जेड का इमेज साई में वाई है, बस, तो वाई आ गया। इक्वेशन वन और टू कहती है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में हमने इम्पोर्टेंट तरीन जो है वो किस्म के हमने 3 प्रोपोजिशन सॉल्व की हैं। नेक्स्ट और भी प्रोपोजिशन मैंने सॉल्व कर रखी हैं, तो अगले लेक्चर में जो है वो उसको तरतीब वाइज में आपको आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ तकसीम करते रहें, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। तो लास्ट में जो है कि जो नए आए हैं दोस्त, वो हमारा चैनल जो है वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी दिया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।